इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। ईद उल अजहा 2023 देश भर में 29 जून को मनाया गया। वहीं पर मड़ियाहू नगर शाही ईदगाह में सुबह 7 बजे नमाज अदा की गई। सुबह 6 बजे शाही मक्की मस्जिद, 7:30 बजे जामा मस्जिद अदा की गई। SDM लाल बहादुर, क्षेत्र अधिकारी चौप सिंह कोतवाल, सुधीर कुमार गुप्ता, सब इंस्पेक्टर संतोष शुक्ला खेतपाल, तहसीलदार समाज सेवी कमाल फारूकी, पुलिस प्रशासन चप्पे चप्पे पर मौजूद रहे। इस दिन बकरे की कुर्बानी दी जाती है। मुसलमानों के लिए ये दिन विशेष महत्व रखता है। पूरे देश में 29 जून को धूमधाम से बकरा ईद का त्यौहार मनाया गया। इस दिन को ईद उल अजहा के नाम से भी जाना जाता है। इस्लाम धर्म से बकरा ईद को बलिदान का प्रतीक माना जाता है। इस दिन बकरे की कुर्बानी देने की परंपरा है। इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक 12 महीने जुअल हिजरा की ये तारीख रमजान के पवित्र महीने के खत्म होने के लगभग 70 दिन बाद आती है। ईद उल अजहा मीठी ईद के करीब 2 महीने के बाद आती है। इस्लामी मान्यताओं के मुताबिक एक बार अल्लाह ने पैगंबर हजरत इब्राहिम की परीक्षा लेनी चाहिए और उन्होंने उनसे उनकी सबसे कीमती चीज की कुर्बानी मांगी। तब हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे हजरत इस्लाम को अल्लाह की राह में कुर्बान करने का फैसला कर लिया। लेकिन उन्होंने जैसे ही अपने बेटे की कुर्बानी देनी चाहिए तो अल्लाह ने उनके बेटे की जगह वहाँ एक बकरे की कुर्बानी दिलवा दी। अल्लाह पैगंबर हजरत इब्राहिम मोहम्मद की इबादत से बहुत ही खुश हुए। मान्यता के मुताबिक उसी दिन ईद उल अजहा पर कुर्बानी देने की परंपरा शुरू हुई। मड़ियाहू के मौलाना जलीम उद्दीन ने लोगों से अपील की कि खुले में कुर्बानी ना करें, सोशल मीडिया पर ना डालें, सफाई का ख्याल रखें, पर्दे में कुर्बानी करें, देश अमन चैन के लिए दुआ मांगे। मौलाना जमील उद्दीन ने क्या कहा, आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। इंडियन टीवी न्यूज पर जौनपुर से शादाब अंसारी की रिपोर्ट। नमस्कार आदाब, इंडियन टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं पत्रकार शादाब अंसारी, मैं इस समय मड़ियाहू नगर के साहिबगढ़ के मैदान पर यहाँ पर मौजूद हूँ। जैसा कि आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर सुबह 7 बजे नमाज ईदुल अजहा की अदा की गई है और 7:30 बजे जामा मस्जिद में नमाज ईदुल अजहा की अदा की गई है और सुबह 6 बजे शाही मक्की मस्जिद में नमाज अदा की गई है। और यहाँ पर मैं जानने की कोशिश करूँगा मौलाना जमीरुद्दीन साहब से कि मड़ियाहू जनता को क्या संदेश दिए हैं और क्या यहाँ पर खुतबा में बयान किए हैं। इंडियन टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।